नौकरी तो सारे लोग करते हैं, लेकिन कुछ नौकरियों में ऐसे पद भी होते हैं जहां लोगों की जिंदगियों का सवाल होता है। एक ऐसा ही पद होता है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का, जिसके हाथ में होते हैं हजारों सैकड़ों यात्रियों की, एयर पैसेंजर्स की, फ्लाइट में, हवाई जहाज में उड़ने वाले लोगों की जान की डोर। आज इस वीडियो के माध्यम से एक बड़ी ही भयानक दुर्घटना, जो दो प्लेनों के क्रैश होने की घटना है, आप सबके सामने हम लेकर आए हैं। बड़े गौर से, बड़े ध्यान से इस वीडियो को सुनिए, देखिए और समझिए कितना खतरनाक होता है हवा में उड़ना। और जरा सा भी चूक अगर हुई एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से या उस सिक्योरिटी सिस्टम से जिससे एयर ट्रैफिक, जो दो प्लेनों के बीच टकराव होते हैं, उनको रोकने का काम होता है। तो आइए सुनते हैं, देखते हैं उस घटना को जिसमें कई लोगों की जानें चली गई। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, और ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए, खासकर उन लोगों के साथ जो लगातार एरोप्लेन्स में यात्रा करते हैं एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन जाने के लिए। 1 जुलाई 2002, समय रात 8:10, मैक्सिको के एयरपोर्ट से 45 बच्चों समेत कुल 60 पैसेंजर फ्लाइट का इंतजार कर रहे थे। 30 मिनट बाद करीब 8:30 पर एक एयरलाइंस की फ्लाइट आई, जिस प्लेन का नाम था 2937। 60 पैसेंजर क्रू मेंबर्स के साथ मॉस्को से ये जो फ्लाइट है बार्सिलोना के लिए उड़ान भरने लगी। इस प्लेन को 3000 किलोमीटर की दूरी 4:20 में तय करनी थी। रात करीब 11 बजे प्लेन ने स्विट्जरलैंड के एक एयर स्पेस में एंटर किया। एयर स्पेस एक प्राइवेट स्विस एयर स्पेस कंट्रोल कंपनी सफाई गार्ड के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा था। आपको बता दें, एयर स्पेस कंट्रोल कंपनियां गाइड करती प्लेन्स को जो उनके एयर स्पेस में उड़ते हैं। रात के 11 बजे कंट्रोल रूम में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के रूप में पीटर नेल्सन नाम का एक बंदा तैनात था। उनके एक साथी के साथ वो मौजूद जरूर थे, लेकिन 1 जुलाई को सुबह से लेकर शाम तक एयर ट्रैफिक के हिसाब से बड़ा बिजी शेड्यूल होता है, और वही उस दिन था। लेकिन रात के समय 11 बजे के बाद उस पूरे एयर स्पेस में मौजूद किसी भी एयरपोर्ट पर किसी भी प्लेन के लिए लैंड शेड्यूल ही नहीं थी, यानी कोई भी प्लेन लैंड नहीं करने वाली थी, तथा उस एयर स्पेस से गुजरने वाला एयर ट्रैफिक काफ़ी हद तक कम हो गया था। इसलिए रात के 11 बजे पीटर नेल्सन का साथी उन्हें छोड़कर चला गया, पीटर नेल्सन पर जिम्मेदारी थमाकर। अब पीटर नेल्सन के हाथों दो वर्क स्टेशन की जिम्मेदारियां थी, क्योंकि उन्हें लगा ट्रैफिक कम है, एयर ट्रैफिक नहीं। जहां पहले पीटर जो था वो रडार सिस्टम पर हवाई ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहा था, तो दूसरी तरफ दूसरे रडार सिस्टम पर एयरपोर्ट पर लैंड करने वाली प्लेन्स की मॉनिटरिंग की जा रही थी। अब ये दोनों सिस्टम पर पीटर की अकेले नज़र थी। 11:06 फ्लाइट 2937 ऑस्ट्रेलिया के ऊपर 36,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रही थी। प्लेन में मौजूद सभी लोग आश्वस्त हैं कि 2 घंटे बाद वो बार्सिलोना पहुंच जाएंगे, लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि 6,000 किलोमीटर दूर उनकी मौत उड़ान के लिए तैयार हो रही थी। 11:06 पर एक फ्लाइट उसने ब्रुसेल्स के लिए उड़ान भरी। करीब 11:10 पर पीटर नेल्सन को सूचित किया गया कि उनके मेन रडार सिस्टम को मेंटेनेंस के लिए बंद कर दिया गया है, इसलिए अब उन्हें बैकअप सिस्टम का यूज करना पड़ेगा। आपको बता दें, ये वो सिस्टम था जो हवाई ट्रैफिक के ऊपर नज़र रखता था, ना कि लैंडिंग के ऊपर। तो अब उनको बैकअप सिस्टम का यूज करना पड़ रहा था। हवाई ट्रैफिक के कंट्रोल करने के लिए 11:21 पर DHL फ्लाइट 611 ने पीटर नेल्सन के एयर स्पेस में एंटर किया, और प्लेन के पायलट ने पीटर से कॉन्टेक्ट कर 36,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरने की परमिशन मांगी। परमिशन देने से पहले पीटर ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को रेगुलेट किया और नॉर्मल कैलकुलेशन करने लगे कि इस रूट पर कोई दूसरी प्लेन तो नहीं। लेकिन तभी दूसरे रडार सिस्टम पर, जो कि लैंडिंग उस एयरपोर्ट पर मॉनिटर करता था, उसमें एक सिग्नल आया और डिलेड एयरबेस फ्लाइट AEF-1135 का मैसेज आया कि उन्हें एयरपोर्ट पर लैंडिंग करनी है। अब मॉनिटरिंग दो सिस्टम की कर रहे थे पीटर नेल्सन, ये मत भूलिए। इसलिए पीटर अपना काम बीच में छोड़कर, जो पहली फ्लाइट ने उन्हें इजाजत मांगी थी उन्हें 36,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ने की, उसे रोक कर वे फ्लाइट लैंड कराने की तरफ चले गए। पीटर ने अपना काम छोड़कर सेकंड रडार सिस्टम पर मूव किया। पीटर ने पास एयरपोर्ट टावर से
कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उनका फ़ोन वर्क स्टेशन पर मेंटेनेंस के चलते काम नहीं कर रहा, इसलिए वो फर्स्ट रडार सिस्टम पर वापस आ गए, क्योंकि अभी फ्लाइट AEF-1135 को लैंड होने में 10 मिनट का टाइम था। फर्स्ट रडार सिस्टम पर आने के बाद पीटर नेल्सन ने DHL फ्लाइट 611 को 36,000 फीट पर उड़ान भरने के लिए मंजूरी दे दी, और ये सोचकर कि सामने कोई खतरा नहीं है, वापस एयरपोर्ट टावर से कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगे ताकि वो फ्लाइट उतारने वाली है उसे गाइड कर सके। घटना के करीब 2 मिनट पहले DHL फ्लाइट 611 को उड़ान भरने की मंजूरी मिलने के बाद उसने अपनी ऊंचाई 36,000 फीट कर दिया। उधर दूसरी तरफ फ्लाइट 2937 जो बार्सिलोना जा रही थी वो भी 36,000 फीट की ऊंचाई पर ही उड़ान भर रही थी, और ये बात उस समय पीटर नेल्सन को मालूम नहीं थी। यानी घटना के मात्र 2 मिनट पहले दोनों प्लेन सेम ऊंचाई पर एक दूसरे के आमने सामने उड़ रहे थे, और वो भी मात्र 44 किलोमीटर दूर, वो भी साउंड के स्पीड से। आप सोच सकते हैं कितनी स्पीड हो। लेकिन यहाँ समस्या की बात ये थी कि दोनों प्लेन का एयर रूट क्रॉस कर रहा था, यानी दोनों कोलाइड करने वाले थे, टकराने वाले थे, और जिस स्पीड से दोनों चल रहे थे उसके अकॉर्डिंग स्विट्जरलैंड के ऊपर दोनों प्लेन आपस में टकरा सकते थे। अब घटना से करीब 38 सेकंड पहले एयर ट्रैफिक कंट्रोलर पीटर को स्थिति की गंभीरता का एहसास होता है, और वो तुरंत फ्लाइट 2937 को कॉन्टैक्ट कर पायलट को तुरंत ही ऊंचाई कम करने का सलाह देते हैं। पीटर ने रशियन पायलट को निर्देश दिया कि तुरंत ही वो अपने प्लेन का फ्लाइट लेवल 36,000 फीट से डाउन करके 3,500 फीट के बीच ले आए, लेकिन निर्देश के 1 सेकंड बाद ही 2937 का ट्रैफिक कॉलिजन अवॉइड सिस्टम, यानी कि आप समझिए ट्रैफिक कॉलिजन अवॉइड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो प्लेन को ऑटोमेटिकली बता देता है कि सामने वाली प्लेन आ रही है, वो आपसे टकराने वाली है। लेकिन इस केस में हुआ बहुत ही खतरनाक। बीच की साउंड आई कॉलिजन अवॉइड सिस्टम से 2937 फ्लाइट के, तो उसने भी ऑटोमेटिकली कह दिया कि वो प्लेन भी अपनी ऊंचाई कम करे। अब दोनों प्लेन नीचे की तरफ जा रहे थे, अभी भी एक दूसरे के रूट पर थे, और उस बात का अंदाजा पीटर नेल्सन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को बिल्कुल नहीं था। इसी समय DHL फ्लाइट 611 DCS सिस्टम भी बीप करने लगे, आवाज़ के साथ पायलट को वार्न करने लगता है, फ्लाइट की ऊंचाई तुरंत नीचे करने का निर्देश देने लगता है। इसलिए DHL फ्लाइट 611 के पायलट ने DCS सिस्टम के निर्देशानुसार फ्लाइट की ऊंचाई कम करने लगता है, लेकिन दूसरी तरफ 2937 के पायलट कंफ्यूज हो गए कि यह ट्रैफिक कंट्रोलर के निर्देश को माना जाए या DCS सिस्टम को फॉलो किया जाए। फाइनली रशियन पायलट ने कंट्रोल की बात मानने का निर्णय लिया और प्लेन को नीचे करना शुरू कर दिया, यानी दोनों ही प्लेन अब नीचे की तरफ आ रहे थे। जो प्लेन 2937 के DCS सिस्टम के बिल्कुल विपरीत था। दरअसल DCS सिस्टम प्रत्येक प्लेन में एक ऐसा सिस्टम होता है जो प्लेन की ऊंचाई, रफ्तार और बाकी सब चीज़ों को ध्यान में करके 3D मैप बनाता है, और वो मैप लगातार एक दूसरे प्लेन को ट्रांसमिट करता रहता है। जैसे ही कोई प्लेन इस मैप में जोन में एंटर करता है तो ये सिस्टम पायलट को वार्न करना शुरू कर देता है। उधर कंट्रोल रूम में जब पीटर ने देखा कि फ्लाइट 2937 ने उनका निर्देश का पालन कर लिया है, फ्लाइट लेवल डाउन कर लिया है, तो वो आश्वस्त हो गए कि सब कुछ ठीक हो गया। इस समय पीटर इस बात से अनजान थे कि DHL फ्लाइट ने भी अपना फ्लाइट लेवल डाउन करना शुरू कर दिया है, क्योंकि फ्लाइट 2937 के साथ लगातार कॉन्टैक्ट में रहने के कारण DHL फ्लाइट के पायलट से कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे थे। पीटर नेल्सन, जिसके वजह से वो ये बात पता नहीं लगा पाए कि उन्होंने भी अपना फ्लाइट लेवल डाउन करना शुरू कर दिया है। वहीं मेन रडार सिस्टम में मेंटेनेंस के चलते बैकअप मोड जो यूज कर रहे थे उनमें जो ज़रूरी फीचर्स होते हैं जो कि विजुअल क्यू देता है वो मौजूद नहीं था। इसी वजह से पीटर को इस सिचुएशन की गंभीरता का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हुआ, और दूसरी तरफ DCS सिस्टम दोनों पायलट को अभी भी वार्न कर रहे थे। अब घटना के करीब 19 सेकंड पहले पीटर ने दोबारा से फ्लाइट 2937 से कांटेक्ट किया और उन्हें बताया DHL फ्लाइट उनके राइट हैंड साइड से आ रही है, जबकि DHL प्लेन असल में उनके लेफ्ट साइड से आ रही थी। इसलिए जब रशियन पायलट ने अपने विंडो से राइट साइड देखा
तो उन्हें कहीं भी कोई भी प्लेन आता हुआ दिखाई नहीं दिया। लेकिन घटना के करीब 3 सेकंड पहले अचानक से रशियन प्लेन में जो क्रू था उसका ध्यान लेफ्ट साइड में गया तो उनको DHL फ्लाइट 611 आती हुई दिखाई दी और पायलट ने प्लेन को ऊपर ले जाने की पूरी प्रयास की। एक नीचे आ रही है, एक ऊपर जा रही है, लेकिन अचानक से नीचे जा रही प्लेन को मात्र 2 से 3 सेकंड में ऊपर ले जाना इम्पॉसिबल था। इसलिए 2 सेकंड बाद ठीक 11:35 पर और 32 सेकंड पर 34,890 फीट की ऊंचाई पर जर्मनी देश के ऊपर DHL फ्लाइट 611 फ्लाइट 2937 को चीरते हुए आगे निकल गई। यह टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि 2937 फ्लाइट के 2 टुकड़े हो गए और प्लेन का आगे वाला हिस्सा सीधे तेजी गति से नीचे गिरने लगा और दूसरा हिस्सा हवा में स्पिन करने लगा, जमीन पर गिरने लगा। दोनों हिस्से जमीन पर गिरे और उस फ्लाइट पर मौजूद सारे क्रू मेंबर्स, सारे 60 यात्री मर गए। वहीं दूसरी तरफ टक्कर से छत विछत DHL फ्लाइट 611 पूरी तरीके से टूट चुकी थी और अनकंट्रोल होकर हवा में अभी भी गोते लगा रहा था। करीब 2 मिनट तक लगातार स्ट्रगल करने के बाद फ्लाइट 611 घटनास्थल से 7 किलोमीटर दूर जंगलों में एक लैंडिंग साइट खोजने में कामयाब हो गया और पायलट ने अपनी सूझबूझ से एक बेहतरीन क्रैश लैंडिंग कराई। लेकिन इस क्रैश लैंडिंग में भी 2 यात्री मारे गए। ये घटना इतनी खतरनाक थी, इसमें बहुत सारे लोगों की मौत हुई। सारे बच्चे जो पहले फ्लाइट में थे वो मारे गए, सारे यात्री क्रू मेंबर्स मारे गए। अब इसमें जिम्मेदारी किसकी थी, जो एयरस्पेस कंट्रोल करने वाली एजेंसी थी उसकी या उसके साथी की जिसने अकेले पीटर को छोड़कर चला गया, या फिर मेंटेनेंस टीम की। जैसा कि हमने कहा था, कुछ नौकरियां इतनी खतरनाक होती है, इतनी जिम्मेदारियों वाली होती है कि उनके हाथों में लोगों की जिंदगी की मौत की डोर होती है। पीटर नेल्सन उस वक्त उसी डोरों को थामे हुए थे। खैर, गलती किसी की भी हुई हो, इसमें काफ़ी लोगों की मौत हुई। आपके हिसाब से गलती किसकी थी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और अपनी जो भी एक्सपीरियंसेस है शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक हमारे चैनल के साथ और वीडियो के अंत तक वीडियो के साथ बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद।